और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विक्रांत स्टॉक्स में। तो बात करते हैं आज एक पेनी स्टॉक के बारे में, आपके क्वेश्चन में आते रहते हैं इसके बारे में। तो एक लेटेस्ट पेनी स्टॉक है, मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूँ। स्टॉक है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट नेगेटिव मिलेगा। बस एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर बहुत बेहतरीन है, वो है प्रमोटर होल्डिंग 39%। यहाँ पर मालिकों की जो होल्डिंग है 39% है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। तो प्रमोटर्स यहाँ पर माल बाय कर रहे हैं और बहुत छोटे नंबर में कर रहे हैं, जो किसी को दिखेगा भी नहीं। देखो 38-68 थी, जो बढ़कर 38-72 हो गई, तो बहुत छोटा नंबर है, थिन नंबर है। यहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई भी है नहीं बढ़ाई है। तो भाई ये लॉजिकल बातें हैं क्या, ये सब जानबूझ के की जाती है कि छोटे रेशियो में होल्डिंग बढ़ाई जाती है, बाद में अचानक से होल्डिंग ना बढ़ जाती है, 38 से 50 हो जाती है, क्योंकि छोटे नंबर पे किसी का ध्यान नहीं जाता कि भैया 38 से 39 हो गए, 40 हो गई, ठीक है। तो इसी समय इसी पीरियड में अचानक से एक एक और क्वार्टर आता है जहां प्रमोटर्स सीधा अपना हथौड़ा मारते, 38 से सीधा 50 कर देते हैं, राइट। तो ये सब चीजें आपको ऑब्जर्वेशन में रखनी, जब भी प्रमोटर धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग इंक्रीज करे, भाई छोटा नंबर, बहुत छोटा नंबर, समझ जाओ कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो यही है कहानी प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज करने के पीछे की, तो यही चीज है, ठीक है। साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्टॉक का नाम प्रो मैक्ट इम्फेक्स लिमिटेड, आई थिंक आप प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, ठीक है, मैनेज कर लेना, ठीक है। ये जो स्टॉक है पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, एक तो रीजन ये है प्रमोटर्स की होल्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका टेक्निकल चार्ट, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये स्टॉक देखो लास्ट 2011 2012 2013 2014 देखो बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया था इसका, और यही ये स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो ये सपोर्ट 2016 में लिया, 20 में लिया, 21 में लिया, मुझे लगता है स्टॉक 2 रुपए 39 पैसे में सपोर्ट लेगा। तो 2 रुपए 40 पैसे में स्टॉक को बाय करो और 1 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ, तो ये सबसे बेस्ट प्राइस है 2 रुपए 40 पैसे का, और 1 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ, मतलब 2.5 रुपए बाय करो, 1.50 में स्टॉप लॉस लगाओ, और रिवॉर्ड मेरे हिसाब से बड़े हो सकते हैं। अपना जो लास्ट स्विंग है 5 रुपए का, ये वहां तक के गेन आपको दिखा सकता है। पहले 5 रुपए जब आ जाएगा तब हम बात करेंगे, लेकिन स्टॉक को बाय कहाँ करना है, 2 रुपए 40 पैसे से पहले बाय नहीं करना है। अब आप बोलोगे 2 रुपए 40 पैसे आएगा, 101% आएगा, वेट करो इंतजार करो, आएगा, टाइम लग सकता है, 6 महीने बाद आए लेकिन आएगा। तो इसको आपको 240 के आसपास ही बाय करना है, उससे पहले बाय नहीं करना है, और 140 का स्टॉक उस लगाना है, ठीक है। तो स्टॉक को नजर में रखो, सिर्फ एक रीजन है स्टॉक का चार्ट अच्छा लगता है, एक अच्छे प्राइस में आने का संभावना है, दूसरी ये स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी बेहतरीन है, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, प्लीज नीचे कमेंट कर सकते हो, प्लीज एक बार खुद की एनालिसिस ऐड करना, अपने फाइनेंशियल सलाहकार से पूछ लेना, नहीं है कोई तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर सकते हो।